जो महासंयोग बन रहा है संजय जी, यहाँ पर तीन त्योहार एक तरीके से कहें कि आज मनाए जा रहे हैं, जिनमें से दो का हमने जिक्र कर लिया, भाई दूज मनाया जा रहा है, गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, इसके अलावा चित्रगुप्त पूजा भी आज बोला जा रहा है की जाएगी, तो इसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होती है चित्रगुप्त पूजा, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो क्या कहती है। जी, सबसे पहली चीज है कि धर्मराज जी के, यमराज जी के सहयोगी हैं चित्रगुप्त जी। आज के दिन जो है सबसे पहले गणेश जी की उपासना करके और लेख लेखनी अर्थात दवात और शाही से जो है पूजा की जाती है, क्योंकि लिखते हैं हम लोग, इंक लेते हैं, शाही लेते हैं, कलम लेते हैं, और आज के दिन जो भी आपके बही खाता है, क्योंकि हिसाब किताब जो रखते हैं वे चित्रगुप्त जी ही रखते हैं, चाहे किसी की जन्म हो मृत्यु हो सब हिसाब वही रखते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन शाही और कलम से जो है ओम लिख करके और गणेश जी का ध्यान करके और पुस्तक की पूजा करने का विधान है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो चित्रगुप्त जी हैं वो हिसाब के देवता हैं, और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार जो है चित्रगुप्त जी उनको फल देते हैं, और न्याय तो जो है धर्मराज जी ही करते हैं, और पर हिसाब किताब जो है यही रखते हैं। और इसमें जो पौराणिक कथा है उसमें ये आता है कि चित्रगुप्त जी जो माने गए हैं लेख के, वाणी के देवता माने गए हैं, और उनकी पूजा जो है एक छोटा सा जो है कलश लेकर के, चाहे मिट्टी का लें चाहे तांबे का कलश लें, उसमें आधा चावल बन रख करके और उससे स्वास्तिक बना करके पूजा करें, और चित्रगुप्त जी की मूर्ति को स्नान कराएं और पंच तत्वों से जो है स्नान कराएं, चाहे घी दूध दही शहद गंगा जल पंचामृत से जो है स्नान कराना चाहिए, और पौराणिक कथाओं के अनुसार उनको मिष्ठान अर्पित करना चाहिए, और कहते हैं कि काल को, जो कालों का महाकाल है उस काल से भी जो है आपकी आज के दिन जो है रक्षा करते हैं, और जिसको भी मोक्ष चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए और हल्दी का प्रयोग करके उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए, और श्री गणेश जी का मंत्र भी बोल करके और चित्रगुप्ताय नमः मंत्र भी आप बोल सकते हैं 11 या 21 बार, उससे भी विशेष लाभ मिलता है। और पौराणिक कथाओं में आता है कि आज का दिन विशेष करके हिसाब किताब का दिन भी माना गया है, और आज का दिन बड़ा ही शुभ है सबके लिए।